धार जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से लोग भी काफी परेशान देखे जा रहे हैं। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस रहा है तो कहीं लोगों का आसपास के कस्बों से संपर्क टूट गया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि धार जिले में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते ग्राम पंचायत कानवन में लोग काफी प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ का पानी कानवन की बस स्टैंड तक पहुंच गया है और लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। अगर यही स्थिति बनी तो आने वाले 3 साल पहले का इस गांव का इतिहास एक बार फिर से दोहरा सकता है, जिससे इस ग्राम पंचायत कानवन में बाढ़ की वजह से कई मवेशी बाढ़ में बहकर मर चुके थे और कई लोगों के घर बाढ़ में बहकर बर्बाद हो गए थे। जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बदनावर के प्रशासनिक अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होने के बावजूद भी आखिर जिम्मेदार अधिकारी पत्रकारों से क्यों बात नहीं करना चाहते, या फिर कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत कानवन में मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार एवं हमारे बदनावर प्रशासन के कुशल नेतृत्व के कारण हम ग्राम पंचायत कानवन में बाढ़ ग्रस्त इलाके में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस निर्देश अनुसार हमने पूर्व में ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को डोंडी पिटा कर एवं सूचना के माध्यम से समस्त व्यापारी बंधु एवं ग्रामीण जनता कानून को सूचना कर दी गई है। इसके किसी प्रकार की आज ग्राम पंचायत कानून में जनहानि नहीं हुई है, इसके लिए भी ग्राम पंचायत कानवन के व्यापारी एवं ग्रामीण जनता को मैं ग्राम पंचायत एवं बदनावर प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम आज बात करते हैं धार के कानवन की, ग्राम पंचायत कानवन, जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत कानवन का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर कितना पानी है। यहाँ के सारी दुकानों में पानी करीब करीब आ चुका है, हमेशा ये स्थिति बन रही है और आज भी इतना पानी है। देखिए हमारे कहाँ तक पानी है, हम पानी में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ की जनता है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या और कब कब इनके पानी आता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या स्थिति है आपकी कानवन की? सर अभी तक ये स्थिति है कि सभी दुकानदार तीन बार पूर आ चुकी है, दुकानें खोल के सफाई करके बहुत परेशान है लोग। मतलब साल के हिसाब से देखा जाए तो भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है, पर अभी कहीं ना कहीं समस्या से जूझ रहा है पूरा। तो ये पानी और भी अगर ज्यादा हुआ तो क्या स्थिति बनती है यहाँ पर? सर फिर नुकसान होगा, जहाँ तक 3 फीट तक तो लोगों ने सामान चढ़ा दिया, उसके बाद व्यवस्था नहीं है आगे चढ़ाने। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए? कल आए थे, लेकिन आज मतलब कोई आगे चले जाते हैं पुख्ता इंतजाम, एक्स्ट्रा करने की कोई तैयारी नहीं, आगे के लिए कोई तैयारी नहीं। देखिए तो स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि यहाँ पर पानी हमेशा आता है और कई बार अब यह बाढ़ बढ़ने की भी संभावना है, और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कल आए थे, आज कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। मेरी दुकान है, दुकान क्या स्थिति है यहाँ पर पानी की, बाढ़ की? बाढ़ क्या है, 3 बार तो पानी घुस गया, अंदर सामान सब खराब हो गया है। सामान खराब हो गया है? सामान खराब हो गया है और दुकान खुल नहीं रही, 4 दिन से ऐसे बाहर आके बैठे हैं हम। इस प्रकार से जो बारिश हो रही है उससे तो और बढ़ने की संभावना है, पानी तो अभी और बढ़ना है, कम से कम 6 हाइट में पानी हो सकता है। अच्छा, तो ये समस्या हाइट हो गया था, पिछली बार भी हो गया था, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समाधान कोई बोलने वाला कोई है नहीं, अधिकारी क्या मालूम, मतलब सुन नहीं रहे किसी को, सब व्यापारी सभी लगे हुए हैं, तो ये है कि अब देखो क्या होता है आगे। विनोद गरोतिया। कहाँ रहते हो? यही कानवन में रहता हूँ, ये मेरे एकता मोबाइल खेलती है। अच्छा, क्या हो रहा है, ये पानी आया है, इससे क्या समस्या है आपको? बहुत समस्या है व्यापारी वर्ग को, बहुत समस्या है यहाँ पर पानी से, हर रोज आज 3 से 4 बार पूरा गई है 2 दिन में, और हमें 24 घंटे में, और बहुत परेशानी आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी कोई आए यहाँ पर? कल रात को आए थे, मैडम देख के गए हैं, बाकी अभी तो कोई नहीं आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।